दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ाई के उन 11 अचूक तरीकों के बारे में जानेंगे जिसको अपना करके हम अपना मार्क्स और एक अच्छा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और अपना जो पढ़ाई में नहीं लगने का मन है उसको एक अच्छा पढ़ाई में लगने का मन लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि आप जिस स्थान पर पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर उस अलग स्थान होना चाहिए, सोने का स्थान अलग होना चाहिए, बैठने का अलग स्थान होना चाहिए और जो पढ़ने का आपका स्थान है वो अलग होना चाहिए। उस पढ़ने के स्थान पर जाकर के जो है आपको बैठते के साथ पढ़ने का मन करेगा। तो ये पहला जो तरीका है क्या है, जो आपका पढ़ने का स्थान है वो अलग होना चाहिए सोने के स्थान से और जो है ऐसी बैठने के स्थान से। अब दूसरा क्या है, आप ऐसा करके देखिए आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो है आप जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर सिर्फ आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है वही सामग्री होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ या फिर फिजिक्स पढ़ना है, तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या आर्ट पढ़ना है तो उसी सब्जेक्ट का कॉन्टेंट जो है उस टेबल में होना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर जो है साफ़ सफाई होना चाहिए। आप जिस स्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर साफ़ सफाई होना चाहिए, तीसरा तरीका हो गया। चौथा क्या होना चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाले तरीके जैसे कि मोबाइल हो गया, अन्य कुछ सामग्री हो गया, वो सब आपके टेबल में नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये चौथा हो गया। और क्या है कि एक बार जो पढ़ रहे हैं उसमें एकाग्रचित होकर पढ़िए। पाँचवा जो तरीका है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद खुद को जो है पुरस्कार दें, मतलब कि रिवार्ड दें कि आज मैंने ये पढ़ा है तो मेरे को ये इनाम मिलना चाहिए, कुछ अच्छे चीज़ों का इनाम रखें खुद के लिए। ठीक है, खुद के लिए इनाम रखें तो आपका मन क्या होगा उससे कि अच्छा लगे कि हाँ पढ़ाई करने से क्या होता है, इनाम मिलता है करके। तो ये पाँचवा तरीका हो गया दोस्तों। अब जो छठवां तरीका है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। क्या लेना है, प्रॉपर नींद। ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में रात को जो है 12-1 बजे तक पढ़ लिए उसके बाद जो है इधर सो ही नहीं रहे हैं, तो नहीं सोएंगे तो आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट होने लगे। इसलिए आप एक प्रॉपर नींद लें, कम से कम 6 घंटा की नींद तो लेना ही है। ये छठवां हो गया। सातवां क्या है कि अनुशासित, अपने आप को अनुशासित रखें, नहीं उस टाइम में मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने आप को एक अनुशासित तरीके से मेंटेन करके रखें। शुरू में तो ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये सातवां तरीका हो गया। आठवां तरीका क्या है कि आप जो है एक समय में एक ही काम करें, जैसे कि आप फिजिक्स, मैथ या फिर कोई जूलॉजी या फिर बायोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी बुक को पढ़ें और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में ध्यान ना दें। और जैसे मोबाइल कॉल है, चैट है, मैसेज के बारे में ध्यान ना दें, सिर्फ एक समय में एक ही काम करें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। ये आठवां तरीका हो गया। नौवां तरीका क्या है कि आप जो है बीच बीच में ब्रेक लें, जैसे कि शुरू में आप जो है इसको 20 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, या फिर बढ़ा करके 40 मिनट या 45 या 50 मिनट के बाद जो है आप बीच में एक छोटा सा ब्रेक लें। उस ब्रेक के दौरान आप पानी पी सकते हैं या टहल सकते हैं। तो ये क्या नौवां तरीका हो गया। और दसवां तरीका क्या है कि अब खाली टाइम हो जाता है। देखिए हर बार लगातार 24 घंटा तो आदमी पढ़ नहीं सकता है, तो खाली टाइम में क्या करें, खाली टाइम में क्या करना है, खाली टाइम में आपको अच्छी बुक पढ़ना है। जैसे कोई अच्छा नॉवेल हो गया, अच्छा कोई बुक हो गया, अच्छा कंटेंट हो गया, या कोई अच्छा मूवी भी, या कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं। तो ये करें खाली टाइम में। ये दसवां तरीका हो गया। ग्यारहवां तरीका क्या है कि आपका पढ़ने का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। अब कई लोग जो है टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मेरे को शाम को रात को इतना बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्या है, आपका माइंड जो है उस समय आपको अलार्म की तरह बोलने लगे कि इस सब्जेक्ट मुझे ये पढ़ना है करके। देखिए शुरू में टाइम टेबल का पालन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करिए कि उस टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट को पढ़ें, या फिर उस टाइम में दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निश्चित टाइम टेबल जरूर बनाएं, उस टाइम में आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो इन 11 तरीकों को हम लोग जान करके जो है एक बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि उन 11 तरीके के बारे में हम लोगों ने जाना जो क्या क्या हैं। पहला है कि आपका एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, जिस स्थान पर आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपके पढ़ने का स्थान होना चाहिए। दूसरा है आपको जो है प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उसी सब्जेक्ट का कंटेंट जो है आपके टेबल में होना चाहिए, तो प्रॉपर एक निश्चित सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है साफ़ सफाई, आप जिस स्थान पर पढ़ रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और चौथा क्या है कि आपको रिवार्ड देना है। क्या देना है, रिवार्ड देना है कि आपने जैसे कि 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया,
तो या फिर आज का दिन आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको इनाम देना है, ठीक है, कि मैंने पढ़ाई किया बोल के, ठीक है। और पांचवा क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाले सामग्री जैसे मोबाइल, दूसरे सामग्री, फोन, चैट से, ये सबसे दूर होना है, ठीक है। ये पांचवा हो गया। छठवां क्या हो गया दोस्तों, आपको प्रॉपर नींद लेना है, ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ना है, प्रॉपर नींद। और छठवां क्या है, आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है 10 मिनट का, ठीक है। और ये सातवां हो गया। आठवां क्या है कि आपको अनुशासित रहना है, ठीक है, ये आठवां हो गया। नौवां है कि आपको एक समय में एक ही काम करना है, जैसे आप पढ़ाई के लिए बैठने हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, दूसरा मैसेज कॉल या फिर दूसरा सब्जेक्ट के बारे में मत सोचिए, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सोशल वर्क के लिए दूसरा टाइम दीजिए। तो पढ़ाई के टाइम पढ़ना है, एक समय में एक काम करना है, ये नवा हो गया। या दसवां क्या है कि आपको खाली टाइम में अच्छा नोवेल पढ़ना है या अच्छी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और ग्यारहवां होगा, ग्यारहवां क्या हो गया, आपको एक निश्चित टाइम टेबल में पढ़ना है, ठीक है। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।